दसवां अध्याय प्रारंभ। मृत्यु के अंतरके कृत्य श्रव आदि नाम वाले छह पिंड दानों का फल, दशांसर की विधि, पंचकमे दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंतनिष्ठ का विधान। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, अब आप पुण्यात्मा पुरुष के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती होना चाहे तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे गरुण सुनो, जिसके मरने से पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उन ऊर्ध्व दैहिक कृत्यों को बताता हूँ, जिनसे विधि विधान से देहादि कृत्य किए गए हैं, उसे दूसरे अन्नदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निहोष्ट यज्ञ से के फल को प्राप्त करता है। इसलिए पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र शोक को त्याग कर बंधु बांधवों से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। यदि जिस पुत्र ने माता या पिता के मरण समय मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सद्गति को करने वाला ना समझे। इसलिए नाखून, कक्ष के केश मुंडन अवश्य कराएं। तदंतर बाधाओं सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल लाकर मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेप कर पुष्प माला को पहनाएं और गंगा जल की मृतिका का लेपन करें। नवीन वस्त्र से शरीर को शव को ढककर अपसव्य होकर अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में पिंडदान शव के नाम से दे, इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वारदेश का पांत नाम का पिंड मृतक के नाम से गौ आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसके पश्चात पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। फिर अन्य बंधुओं के साथ पुत्र अर्थी को कंधा दे, अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता के पुत्र को कंधा पीठ और गोदी में रखकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र पर रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मृत पिता को कंधे पर रखकर शमशान ले जाया जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान करा विश्राम पिंड देना चाहिए। विश्राम के पिंड दान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कई दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग कर प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा पाते। जो विश्राम पिंड नहीं देते, वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं। इसलिए विश्राम पिंड अवश्य दे। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि को झाड़ू लगाकर शुद्ध कर गोमय से लीप कर कुशा से रेखा करें। इस रेखा के बीच में अनामिका अंगुष्ठ से मृतिका का ईशान में गिराकर जल दें। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित कर क्रव्य संज्ञक अग्निदेव का पुष्पाशक से पूजन कर ओम लोभ इत्यादि अनुवाहक द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना करके कहें, हे कव्यदसंयक अग्ने, तुम पंच महाभूतमक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ी की चिता तैयार करें। चिताया सब हस्त प्रेतनामा
खगेश्वर उस शव को चिता पर रखकर वहां दो पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा पिंड शव के हाथ में रखना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव से प्रेतक आ जाता है। प्रेत कल्प को जाने वाले कतिपय दिवज चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अंत चिता पर साधक नाम से शव के हाथ पर प्रेत नामक से पिंड दान करें। इस प्रकार पांच पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता प्रसन्न होती है, अन्यथा शमशान में स्थित पुरुतक पिशाच राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता में उपगाहत होते हैं। प्रेत के लिए पांच पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रमवाद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो अग्नि प्रदान करें। जो पंचक में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह की क्रिया संस्कार ना करें। यदि कोई करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो सकती है। अर्धघनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत पांच नक्षत्र दाह के अयोग्य हैं। वे दाह में शुभ कारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि तथा पौत्रादि के और गोत्रियों के यहाँ कोई भी हानि नहीं हो सकती है। यदि पंचक में दान करें या विधि विधान से दोषों की शांति के लिए करें। अब मैं तुम्हें उस दाह की विधि बताता हूँ। हे गरुण, उस शव के पास चार पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभियंत्रण कर उसे स्वर्ण का दान करें। नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रताजयता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करें, उसको संपुट कहते हैं। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव को दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र तथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। प्रेतवाह प्रेत शुभ प्रेतक प्रेत भूमिक तथा और प्रेत हरा इन पांच नामों मंत्रों से वाहन पूजन करके उनमें से प्रथम पुतले को प्रेत के सिर में दूसरे के को नेत्रों में तीसरे को वाम कृष्ण में चौथे को नाभि में और पांचवे को पैरों में रखकर घृत होम के बाद शव दाह करके करना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल से भरे बर्तन सोना चांदी रत्न तथा घृत से भरा कांस्य पात्र दान करें। इस प्रकार पंचकों का शांति विधान करके जो शव का दाह करता है उसे पंच जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं सताती और प्रेत भी सदगति को प्राप्त करता है। इस तरह पंचक में मृत शरीर का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करें। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होना चाह रही है तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संगलन पवित्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहती है तो पति की मृत्यु के पश्चात स्नान करे, रोली केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर नेत्रों में सुरमा लगाकर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर ब्राह्मणों को दान कर दान दें तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य धन संपत्ति प्रदान करें। गुरु को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु जी की मंदिर में जाकर भगवान हरि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने शरीर पर धारण करे हुए आभूषण को श्री हरि को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाए। वहां सूर्य नारायण तथा चिता को नमस्कार कर फूलों की शून्य रूपी चिता पर स्थित होकर गोदी में पति को शयन कराए, अर्थात अपनी गोदी में पति का सिर रख ले। तदंतर अपने हाथ से में जो श्रीफल है वह किसी सखी को देकर अग्नि में दाह करने की आज्ञा देकर उसे अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को भस्म करें। परंतु गर्भवती को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए।
बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करके करने के बाद ही वह सती हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को भस्म करती है परंतु आत्मा सुख को पीड़ित नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है उसी तरह पवित्रता स्थिति अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों का दहन कर देती है। जैसे कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगारों को देख को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। उसी प्रकार पवित्रता स्त्री भी नहीं जलती परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो स्त्री तत्व तापन के शरीर को नहीं जला पाती। पति की मृत्यु हो जाने पर जब एक पत्नी उसके शरीर के साथ अपने शरीर को भी भस्म कर लेती है तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवतावस्था में अपने पति की हमेशा सेवा करनी पड़ती है और मृत्यु के होने पर उसका अनुगमन करना पड़ता है। पति की मृत्यु पर जो पत्नी अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहां वह पति पर्यान नारी अप्सराओं के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। 14 मनुओं का राज्यकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 1000 बार 4 गुणों चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभू स्वरोचिष उत्तम तामस रेवत चाक्षुष देवस्त सूर्य सारवणी ब्रह्मा सारवणी धर्म सारवणी रुद्र सारवणी रौच्य तथा बौत्र के 14 मनु कहे गए हैं। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 कोटि रोम है उनमें उतने समय तक वह पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठाकर स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पवित्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म लेकर चिराकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकती वह मूर्ख जन पर्यत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप समझ उसके सहित अपने शरीर का दाह करे यह सती होने की रीति कही है। हे गरुण कोई सती ना हो तब उस शव का इस प्रकार से दाह करे उसे मृतक शरीर का आधा या संपूर्ण भाग जले तब उसके शरीर का विस्फोटन करे। जो गृहस्थ हो तो उसे काष्ठ से यदि यति हो तो वो तो श्रीफल से कलाप क्रिया करे। पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके ब्रह्मरंध्र को का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर उत्पत्ति होती है हो स्वर्ग लोक में गमन करने हेतु इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो एतादर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस तरह मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियां तथा पुरुष स्नान कर नाम मात्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दे
तथा निम्न पत्र का प्राशन कर मरे हुए मृतक के यश का वर्णन कर स्त्री समूह इस सब एक एक एकत्र होकर मरघट के ग्रह को पहले जाए। इसके बाद पुरुष अपने ग्रह को जाए, घर आकर पुनः नहाकर गौ का को ग्रास दें, पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करें। वह भोजन अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक स्थित तथा उस भूमि को लीप कर 12 दिन तक घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख जलता रहना चाहिए। हे गरुण, सूर्यास्त के में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के कुल्लड़ में दूध भरकर 3 दिन एक संध्या के समय रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरे में तिगोड़िया बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहें, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवादी ने आपको त्याग किया है, इसलिए तुम जल में स्नान कर इसे दूध का पान करो। चौथे दिन सागनिक और निरग्नि, दूसरे दिन तथा तीसरे दिन सर्व संगत अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं, उनका डोरा लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूत आदि के लिए पुत्र को इस यमान तवा इस मंत्र से उड़द की भात की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे गरुण, इसके पश्चात चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें, तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध करें। त्रिकोण स्त्री स्थल मंडल बनाकर उसे गोबर से लीपे, दक्षिणा विमुख होकर अस्थि मंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जल से भरा घट स्थापित करें। दधि घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दे। उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहां गड्ढा खोद दे। हे गरुण, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें, उसके ऊपर 1 पिंडदान करने से पेत्र के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और व्रत स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्थान पर जाए। वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रशालन करें, पुनः जल में प्रशालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उन अस्थियों को पात्र में लेकर परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तक पर रखकर गंगा में अस्थि आप प्रवाहित करें। इसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में प्रवाहित कर दी गई हो तो हो उसकी ब्रह्मलोक में से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगाजल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति सर्वलोक में रहता है। गंगाजल की लहरों को स्पर्श कर हवा जब किसी मरे हुए को स्पर्श करती है तो उसके अपने जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पहला राजा भागीरथी ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा को लाए थे। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो महर्षि कपिलदेव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, अब उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने पर वे स्वर्ग में चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाले को व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक में जाने लगे
लगा तो उसकी अस्थि गंगा जी में प्रवाहित करने के कारण वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक में चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करनी चाहिए। अस्थिया संचय के बाद दश गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई प्राणी विदेश तथा वन में या चारों के भय से मर गया हो, चोरों के भय से मर गया हो और उसका शरीर प्राप्त ना हुआ हो, तब तक क्या करना चाहिए, उसकी विधि तुमको बताता हूँ, वह सुनो। एक कुश का पुतला बनाकर काष्ठादि से दाह की क्रिया कर भस्म को गंगा जल में प्रवेश करें। उस पुतले के दशागात्री कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा तामसरिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ तो उस समय स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट चीरकर उस बालक को निकाल कर भूमि पर रखकर स्त्री का दाह संस्कार करे। गंगा तीर पर मरने वाले को गंगा में बहा दे तथा अन्य देश में मरे को 27 माह तक के बालक को भूमि में दफन करे। 27 मास के बाद उसका दाह संस्कार कर उसकी अस्थियां गंगा की जी में प्रवाहित कर जल में भरकर एक घड़े का दान तथा बालक को भोजन कराना चाहिए। जो गर्भ में मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। जो बाल अवस्था में मर जाए उसके लिए दूध का दान। यदि बालक की मृत्यु हो तो तब घट और शीर्ष का दान करें। यदि कुमार अवस्था में मृत्यु हो तो कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष बाद अग्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड दें। एकादश और द्वादश तथा वृषोत्सर्ग के बिना और महादान के बिना पौगंडे व्रत करें। उसका पिता जीवित हो तो पौगंडावस्था में मरे तो उसके पिंड दान आदि कुछ भी नहीं करें। केवल 12वें दिन एकादशी श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के इली विवाह ही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिनसे थोड़ा कर्म किया हो थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, उसका कम अवस्था हो और स्वलप देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी अंतिम क्रिया भी स्वलप ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शयादान वर्षो गर्गी पद दान महादान और गौदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी तरह ये सन्यासियों की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्रों द्वारा अंतिम क्रिया संपन्न ना हो तो उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। ना उनमें तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही दशगात्री क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड मन वाणी और इंद्रियों का समय ग्रहण करने से मृत्यु के पश्चात उस जीव को प्रेरक प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है अपने स्वरूप अनुभव से ही हमेशा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं रखते, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं होती। यदि पुत्र आदि के पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध या श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करे। हे गरुण, हंस परमहंस कुटी चक्र बहुदक इन सन्यासियों के मृतक मृतक होने पर भूमि में गाड़ दे, परंतु अग्निदान ना करे। यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो सन्यासियों का मृत शरीर उन नदियों में प्रवाहित करना चाहिए। 10वां अध्याय संपन्न।